सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज़ आवर विजय हेयर, और दोबारा से आप सभी का स्वागत है ये पाठशाला के चैनल में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर वॉच करिएगा। इस पार्ट के अंदर हम और ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़िएगा। हम आपके लिए वहाँ पर भी बहुत कुछ लाते रहते हैं, बहुत कुछ अपडेट्स वहाँ पर देते रहते हैं। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले लास्ट पार्ट में पता क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमने देखा था कि मुसलमानों के बारे में जो शब्द था, जो इस्लाम धर्म में शब्द का इस्तेमाल शुरुआती समय में मुसलमान शब्द नहीं किया गया था, हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से मुसलमानों के अलावा भी हमारे इंडिया के अंदर दूसरे मतलब मुसलमान शब्द के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत टाइम पीरियड से करता रहा गया था। जैसे कि हमने यहाँ पे तुर्काशा के बारे में, तजाका के बारे में, और उसके बाद पर्शिया के बारे में, यवनों के बारे में, शाक के बारे में, मलेच के बारे में, ये वाले वर्ड भी हमने देखे थे। एंड नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और थर्ड पार्ट इस मतलब ये जो पार्ट है, सॉरी थर्ड नहीं है ये वाला पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है, इस पार्ट जो भी मतलब जो भी पार्ट है आपका समझ लीजिएगा आप, तो जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा पता चल जाएगा। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे सूफिज्म के बारे में। अब सूफिज्म क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए होता क्या था, पैगंबर मोहम्मद के जितने भी चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग थे, जितने भी चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग कुरान को इम्पोर्टेंट देते थे और शरिया कानून को इम्पोर्टेंट मानते थे और हसीद को इम्पोर्टेंट मानते थे। उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम पूरे भारत में चलता था, जहाँ जहाँ पे इस्लाम धर्म था वहाँ पे चलता था। लेकिन इस्लाम धर्म के अंदर सूफिज्म एक अलग कैटेगरी बनी। सूफिज्म इज लाइक मैं कह सकता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद को तो इम्पोर्टेंट दे रहे हैं लोग, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के रिचुअल्स को मानते हुए इन्होंने अपनी और कुछ चीज़ों को एड ऑन करा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे शिव भक्ति को अपने भारत के नॉर्थ साइड में शिव की पूजा करी जाती थी, लेकिन वो वहाँ पे वेदों को इम्पोर्टेंट दिया करते थे, और इसी वजह से एक अलग कैटेगरी बनी साउथ के अंदर, जिसे हमने वैष्णविज्म या शिविज्म कहा। और उन लोगों ने भी साउथ के अंदर जाके क्या कहते हैं, सिस्टम को अलग तरीके से अपनाया। फिर वहाँ पे शिवलिंग के रूप में ही पूजा करी गई, और उनके धर्म में अंदर अंदर वेरिएशन हमने देखने को कोशिश करी थी भक्ति मूवमेंट के अंदर। तो सेम ऐसा ही हमें शिव क्या कहते हैं इस्लाम के अंदर देखने को मिला, कि उसकी एक अलग वेरिएशन बनी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सूफी शब्द की शुरुआत 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में अंग्रेजी शब्द के अंदर प्रिंट हुई थी, पर ऐसा कहा जाता था कि इस वर्ड को कहीं ना कहीं सूफ वर्ड से लिया गया था, जिसका अर्थ ऊन होता है। दूसरे लोग कहते हैं कि सूफ का वर्ड जो है साफा होता है, जिसका मतलब साफ होता है। कहने का मतलब मस्जिद के बाहर चबूतरा, मतलब कहने का मतलब साफा शब्द से निकलता है, जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां पे सारे के सारे फॉलोवर आके मिलते थे और बात किया करते थे पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड चीजों का, कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सूफी वाद बोल लीजिए, तसव्वुफ बोल लीजिए, बात वही है, लेकिन सूफिज्म एक अलग कैटेगरी बनी थी। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंपॉर्टेंट दिया, पैगंबर मोहम्मद को उन्होंने बोला कि दिस इज द परफेक्ट ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ, जो भगवान की बातों को सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं पैगंबर मोहम्मद के अलावा भी उस पैगंबर मोहम्मद के द्वारा फॉलो गए कुरान की चीज़ों को इंपॉर्टेंट तो दिया गया, लेकिन उसमें एक वेरिएशन देखने को मिला। दिस इज कॉल्ड द सूफिज्म। सूफी वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम। सूफी लोग जो हैं वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब आपको हमेशा भगवान की पूजा करते रहना है। उनका कहने का मतलब ये कि आप अल्लाह से, गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवर क्रिटिकल ऑफ डोग माइंडेड डेफिनेशन ऑफ स्कॉलिस्ट मैथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान। उन्होंने पूरी तरीके से आलोचना करी, कुरान की व्याख्या करने वाले कट्टर परिभाषाओं की आलोचना करी। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म के अंदर बोला गया कि भैया मतलब और लड़कों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और शरिया कानून कहता है कि वुमेन्स को पर्दा करना चाहिए, या शरिया कानून कहता है कि वुमेन्स को, मतलब ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मान सकते हैं कि इस्लाम धर्म में उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इसकी आलोचना करी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। तो इसी वजह से सूफिज्म जो था पैगंबर मोहम्मद को तो इम्पोर्टेंट देता था, लेकिन उनके द्वारा कट्टर बने को, उनके द्वारा जो कट्टरपन, जो उनके फॉलोवर बने थे और उन्होंने कट्टर चीज़ों को अपनाया था, डोग माइंडेड चीज़ों को अपनाया था, उन्होंने उस चीज़ों को मना करा। इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना समझना है। और इसी वजह से सूफिज्म की शुरुआत हमारे इंडिया के अंदर हुई थी। और फिर आपको मैं डीपली लेकर लेते जाऊंगा
डीपली बताऊंगा कि क्या चीजें चल रही हैं इसके अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। खानकाहा, आपकी बुक के अंदर खानकाहा के बारे में बताया हुआ है बट कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। तो खानकाहा वॉज अ बिल्डिंग डिजाइंड स्पेशली फॉर द गैदरिंग ऑफ सूफी ब्रदरहुड एंड इज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट। ईच खानकाहा इज ओन्ड बाय पीर यानी कि टीचर एंड द बिलीवर्स जॉइंड हिम फॉर द प्रे देयर। मतलब खानकाहा एक तरीके की ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो ऐसी बिल्डिंग के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। आप देख सकते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूफी ब्रदरहुड मतलब सूफी जो सूफिज्म को फॉलो करते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं कुरान से पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। और जो डिस्कशन किया जाता है ना वही डिस्कशन जो है इम्पॉर्टेंट होती है, वही डिस्कशन ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो एक डिस्कशन स्पिरिचुअल चीज़ों का इम्पॉर्टेंट होता है। और इन खानकाहा के अंदर हमेशा कोई पीर जो एक टीचर के रूप में रहता है उनसे उनके फॉलोवर या उन पर बिलीव करने वाले लोग उनसे मिलने आते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा खानकाहा एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर्स रहते थे। अब टीचर को इन्होंने पीर का नाम दिया है पर आपकी बुक के अंदर टीचर को पीर नहीं शेख, पीर और मुर्शिद तीनों शब्द कहा है। मतलब खानकाहा के अंदर शेख बोल लीजिए, पीर बोल लीजिए, मुर्शिद बोल लीजिए, ये यहाँ पे रहते थे, इसके अंदर रहा करते थे। शेख, पीर, मुर्शिद ये यहाँ पे रहते थे। और फिर आप नोटिस करेंगे जब ये लोग यहाँ रहना चालू कर देते हैं तो शेख, पीर, मुर्शिद यहाँ पे रहते हैं और इनके फॉलोवर, इनके मुरीद, याद रखिएगा मुर्शिद और मुरीद दोनों में डिफरेंट होता है, मुरीद और मुर्शिद में डिफरेंट होता है। मुर्शिद एक तरीके के वो व्यक्ति जो खानकाहा के अंदर रहते हैं और मुरीद वो लोग जो इनसे मिलने के लिए इनके डिसाइपल चेले टाइप लोग होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे ही एनरोल डिसाइपल एंड अपॉइंटेड सक्सेसर, ही एस्टैब्लिश रूल फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द इम्यूट्स एंड एज वेल एज बिटवीन द ले पर्सन एंड द मास्टर। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी फॉलोवर इनसे मिलने के लिए इनके खानकाह में आता है, अगर खानकाह में इनके फॉलोवर कोई मिलने आते हैं, ये मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, याद रखिएगा दरगाह जैसी चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत है इसीलिए इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे खानकाह के अंदर कोई भी टीचर है, पीर है, मस्जिद है, शेख है, कोई भी यहाँ रहता है और जो भी इनके फॉलोवर इनसे मिलने के लिए आते थे इनके मरने के बाद वो कहते थे कि मेरा फॉलोवर ये बनेगा, मेरा वंशज ये बनेगा वगैरह वगैरह ऐसे बनेगा। तो ये सिस्टम चलता था और इनकी बातों को धीरे धीरे इंपॉर्टेंट दिया जाने लग गया और जब इंपॉर्टेंट दिया जाने लग गया तो इनके बीच में एक सिलसिला चालू हुआ। सिलसिला ये प्यार है एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि गुरु और चेले के बीच में एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है कि उनके मरने के बाद, इनके मरने के बाद ये लोग इनसे मिलने के लिए आया करते थे खानकाहा के अंदर। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सी थिंग्स और इसी को ही आपको समझना है, दिस इज़ कॉल्ड सिलसिला। सिलसिला की शुरुआत इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। अब सिलसिला को हम और डीपली समझते हैं क्या है सिलसिला। देखिए खानकाहा के अंदर कोई शेख, पीर, मुर्शिद रहता है, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। 12th सेंचुरी के अंदर सिलसिला मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कि सिलसिला एक शब्द है, इस श्रृंखला का मतलब ये है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक निरंतर कड़ी, कड़ी मतलब एक ऐसा संकेत देता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैगंबर मोहम्मद अगर इंपॉर्टेंट है तो पैगंबर मोहम्मद से कनेक्ट होते हैं ये लोग डायरेक्टली, इन्हें इसलिए शेख, पीर, मुर्शिद बोला जाता था क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ऐसा तो है ना कि सभी को जा के ज्ञान देते रहेंगे, उन पर इतना टाइम नहीं है, लेकिन उनके फॉलोवर जो होंगे जो उनको मानते हैं, उनके इंपॉर्टेंस को मानते हैं, एटलीस्ट वो लोग तो जाएंगे ना वहाँ पे, वो लोग जाएंगे तो लोगों को समझाएंगे। तो ऐसा इसलिए इन शेख, पीर और मुर्शिद को इंपॉर्टेंट माना जाता था, शेख, पीर और मुर्शिद को इंपॉर्टेंट माना जाता था। और इनके मरने के बाद जब शेख लोग, पीर लोग, मुर्शिद लोग मर जाते थे तो उनके मरने के बाद यहाँ पे दरगाह बनाई जाती थी एंड दिस इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंट। अब देखिए मस्जिद एक ऐसी बड़ी प्लेस है, मस्जिद एक ऐसी बड़ी प्लेस है जहाँ पे सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद हर जगह नहीं मिलेगी आपको, लेकिन दरगाह, दरगाह वो लोगों की होती है जहाँ पे कोई खानकाह रहता था, मतलब कोई पीर मुर्शिद किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता था
और उसके बाद क्या कहते हैं, उनके मरने के बाद उनके नाम पे वो दरगाह बनाई गई। इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी दरगाह मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारे हिंदू धर्मों में होता है ना, कि हिंदू धर्मों के अंदर क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली शिव के मेन जगह पे जाना है, तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, नीलकंठ, यहाँ जाना पड़ेगा। तो वो एक बड़ी जगह हो गई। सेम ऐसे छोटी जगह क्या होगी, छोटी जगह छोटे छोटे टेम्पल्स होंगे अलग अलग जगहों पर, है ना, आपके इलाके के अंदर होंगे। तो सेम ऐसे ही मुस्लिम धर्म में होता है कि जिनको अल्लाह की इबादत करनी है वो जाके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के अलावा अपने शेखों से मिलने के लिए जाते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नाम पे दरगाह बनाई जाती है, और फिर उसके बाद वो मस्जिद में अदा करने नमाज तो जाते ही जाते हैं, लेकिन वो अपने शेख मोहम्मद पीर से मिलने के लिए उनकी डेथ के बाद जियारत के लिए उनकी जगह पे जाते हैं। सो फिर आपने ये गाना याद रखा होगा, भर दो झोली या मोहम्मद, लौट करना मैं जाऊंगा खाली। जियारत करने का मतलब ये हो गया कि आप शेख पीर मुर्शिद को इम्पोर्टेंट देते थे, और आपको लगता था कि इनके मरने के बाद ये डायरेक्टली क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद से कनेक्ट हो गए हैं। और फिर आप जियारत करने जब उनकी कब्र के पास जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे वो शेख मुर्शिद मोहम्मद जो होते हैं वो भगवान से यानी कि अल्लाह से मिल चुके हैं डायरेक्टली। और एंड यू आर वर्शिपिंग दैट पर्सन जो डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्ट है, आप उनसे बातें कह रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा सिलसिला चालू हुआ कि उसके डिसाइबल उनसे मिलने जाते हैं। तो आप देखेंगे दरगाह बहुत कम जगह हमें देखने को मिलती है, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस। कि ऐसा नहीं है कि सिलसिला जो है इंडिया के अंदर यहीं स्टार्ट हुआ, बहुत जगह के अंदर हम ये सिलसिला देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को ही हम क्या कहते हैं आगे कड़ी में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इतना हमें समझ में आया कि ज़ियारत क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, इनके मरने के बाद लोग आते हैं यहाँ, फॉलो करते हैं इनके शेख मोहम्मद पीर को। और यहाँ पे ना हमारी बुक के अंदर सिलसिला हमें समझ में तो आ गया, पर सिलसिला गुरु और चेले के बीच का एक प्यार है, लेकिन सिलसिला का कोई नाम भी होता है, याद रखिएगा। तो सिलसिला का नाम जो होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि सिलसिला किसी शेख मोहम्मद के नाम से भी हो सकता है, शेख मोहम्मद के नाम से भी हो सकता है, या सिलसिला का नाम हम ऐसा भी रख सकते हैं कि कोई भी शेख मोहम्मद मुर्शिद अब किस जिस स्थान से बिलोंग करता है ना, वहाँ से अगर कोई निकल के आता है तो उसको भी हम उसके नाम से, उसकी जगह के नाम से ही बोल देते हैं। तो आपकी बुक के अंदर सिलसिला के नाम दिए हुए हैं, सिलसिला आपको समझ में आ गया होगा। तो एक था कादिर, कादिर सिलसिला, याद रखिएगा कादिर सिलसिला, और एक है चित्सी सिलसिला। मतलब चित्सी आप याद रखिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए कादिर सिलसिला एक ऐसा सिलसिला था जो किसी शेख के नाम पे रखा गया, और चित्सी सिलसिला एक ऐसा सिलसिला था जो किसी शेख के नाम पे तो रखा नहीं गया, लेकिन जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जिस स्थान पे वो रहते थे, उसके नाम से रखा गया। तो इतना आपको डिफरेंट शेड समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और शब्द हमें मिलता है, वो मिलता है औलिया शब्द। औलिया याद रखिएगा, मतलब शेख जो होते हैं, पीर जो होते हैं, मुर्शिद जो होते हैं, इनके मरने के बाद हमें लगता है कि ये पैगंबर मोहम्मद के पास जाके मिल गए हैं, तो ये पैगंबर मोहम्मद जितने ही इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। और सेम ऐसी औलिया शब्द का इस्तेमाल हमने सूफी के अंदर बहुत सुना है। औलिया, औलिया का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के नज़दीक रहने का दावा करता हो, उन्हें हमने औलिया बोला, ठीक है। तो आप इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं वो देखेंगे जो क्या कहते हैं औलिया के नाम से और शेख के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो चित्सी सिलसिला के मुख्य उपदेशक के नाम पे बहुत सारी दरगाह बनाई गई थी। चित्सी सिलसिला बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, तो आप देख सकते हैं शेख मोइनुद्दीन चित्सी, ये चित्सी जो थे, ये चित्सी एक राज्य है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से ये नाम पड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे दिल्ली में दरगाह बनाई गई है, इनके नाम पे अजमेर में, इनके नाम पे पाकिस्तान पे, इनके नाम पे दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा औलिया का शब्द का मतलब वही है। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, याद रखिएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली के अंदर है। और जो लोग अजमेर या राजस्थान की साइड में रहते हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ गरीब नवाज या शेख मोनीदीन की चिश्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर
क्लास की टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको डीपली समझ में आएगा कि मैं इतना डीपली जो आपको बता रहा हूँ, आपका कोई का स्कूल का टीचर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो हमें अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरगाह बहुत है, क्योंकि शेख यही लोग नहीं थे, शेख बहुत थे जो कहते थे कि हम अल्लाह के करीब हैं, आप हमारी बात सुनिए। बहुत ऑल ओवर थे, लेकिन सारे शेख फेमस नहीं हो सकते थे। कुछ शेख हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइडली दूसरी कंट्रियों के अंदर भी ये शेख बहुत फेमस हैं, तो इनको अल्लाह का बोल सकते हैं कि ये पैगंबर मोहम्मद के पास बैठते हैं मरने के बाद, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंट देखा जा सकता है। अच्छा, फिर एक है बासारिया, बेस आरिया एंड बास आरिया। याद रखिएगा, जो लोग खानकाह से बाहर रहते हैं, हु लेफ्ट द खानकाह। अब खानकाह क्या हो गया? खानकाह वही प्लेस हो गया जहाँ पे पीर, मुर्शिद और आपके क्या कहते हैं शेख, ये लोग रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, शेख ये लोग रहते हैं इधर पे, तो वो खानकाह हो गया। लेकिन ऐसे जो लोग जो क्या कहते हैं खानकाह से बाहर रहते हैं, अल्लाह की बातों को, खुदा की बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खानकाह के अंदर नहीं रहेंगे वो लोग, ऐसे लोगों को कलंदर, मदारिस, मलंग और उसके बाद यहाँ पे हैदरस बोला जाता है इन लोगों को। तो ये लोग आप नोटिस करेंगे, ये लोग अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये खानकाह के अंदर नहीं रहते, घूम घूम के क्या कहते हैं ये लोगों को बताते हैं। दूसरा बासारिया वो लोग हो गए जो पैगंबर मोहम्मद को इंपॉर्टेंस तो देते हैं पर खानकाह के अंदर रहते हैं, और जैसे कि अभी हमने देखा कि उनके नाम पर दरगाह बनाई जाती थी, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर ऐसा ये कहा जाता है कि चित्सी सिलसिला शुरुआत हुआ। चित्सी सिलसिला असल में अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले शेख लोगों के द्वारा शुरू हुआ। याद रखिएगा, कुछ शेख लोग अफगानिस्तान से, चित्सी शहर से हमारे इंडिया के अंदर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म तो फैल ही रहा था, क्योंकि तुर्क और अफगान लोगों ने तो वैसे भी क्या कहते हैं इस धर्म को फैलाया ही फैलाया था। तो इस हिसाब से अगर इन लोगों ने इस धर्म को फैलाया था, तो फिर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चित्सी सिलसिला को समझना। देखिए, इन्होंने इस्लाम धर्म के कट्टरपन को नहीं माना, इन्होंने अपना खुद का ट्रेडिशन चलाया। और चित्सी सिलसिला कहने का मतलब एक ऐसा सिलसिला है जो चित्सी किसी शेख के शहर के नाम की वजह से फेमस हुआ, इतना आपको याद रखना है। और ये लोग जब हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, तो फिर इनके इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो द खानकाह वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। अब क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जब ये लोग आएंगे तो हमारे यहाँ के रिचुअल चीज़ों को तो अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे ना ये लोग, ऐसे तो नहीं है कि अपना एकदम से कोई भी सिस्टम चला देंगे। जब यहाँ आएंगे, खानकाह होगा इनका कोई प्लेस होगा, यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इनका रीति रिवाज कैसा है, इनकी सोच कैसी, इनके लोगों की सोच कैसी, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ एनालाइज करेंगे ये लोग। और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे, कंक्लूजन में निकलेंगे, जब जाके ये सोचेंगे कि हमें इस्लाम धर्म को ऐसे बढ़ाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये वाली चीज़ें। तो शेख लोग क्या होते थे, पहले एक स्मॉल रूम के अंदर रहते थे, वो हॉल हुआ करता था, विजिटर उनसे मॉर्निंग इवनिंग में मिलने आया करते थे। लोगों को ये लगता था कि ये सारे के सारे जो लोग हैं शेख, मतलब ये जो लोग हैं चित्सी लोग, ये इस्लाम धर्म को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो दिन रात लोग उनसे मिलने आया करते थे। तो कुछ शेख ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इनके बारे में। हमें 12th century 13th century की इससे शुरुआत हुई हमारी इनके बारे में जानने के बारे में। तो अमीर हसन सिजदी, इन्होंने इनके बारे में लिखा, अमीर खुसरो ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के तो वैसे भी फॉलोवर थे वो, उन्होंने इनके बारे में लिखा। उसके बाद ज़रुद्दीन बैरनी, इन्होंने भी क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में सूफिज़म के बारे में लिखा, जिससे हमें समझ में आया कि इंडिया के अंदर सूफिज़म ऐसे शुरू हुआ होगा। तो चित्सी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि चित्सी लोग खानकाह के अंदर रहते होंगे, और चित्सी लोग जो खानकाह के अंदर रहते होंगे, धीरे धीरे उन्होंने उनके मरने के बाद उनके नाम पे दरगाह बना दी होगी, फिर बाद में उनके फॉलोवर उनसे मिलने आ जाते होंगे, ज़ियारत करते होंगे, सिस्टम वही चल रहा है। और यहाँ पे फिर शेख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर कोई भी शेख से मिलने जाएगा तो ऐसा तो नहीं जैसे आज की डेट में गुरु और चेला होते ना कि हम लोग हिंदू धर्म में पैर छूना पसंद करते हैं, नमस्ते बोलना पसंद करते हैं, तो सेम ऐसे ही शेखों से मिलने के लिए आप ऐसे सजदा करते हैं, सर झुका के सजदा करते हैं। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया। उसके बाद अगर कोई भी विजिटर खानकाह के अंदर चित्सी के मिलने जा रहा है तो उनके फॉलोवर को क्या कहते हैं पानी ऑफर किया जाता था, ऐसा तो नहीं कि भूखे प्यासे बैठ जाएंगे। दूसरा शेविंग द हेड ऑफ द इनिशिएट, मतलब मेन ये था कि सर को आपको क्या कहते हैं मुंडवाना पड़ेगा, मतलब आपको बोले बाल हटाने पड़ेंगे सर के।
और ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो शेख लोग होते थे वो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में अपने खानकाह में बैठते थे, लोगों की बातों को सुनते थे, बताते थे। अब उनमें से सभी चिश्ती सिलसिला के अंदर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सारे कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि इनके टीचिंग और प्रैक्टिस जो थे ना वर्ल्ड वाइडली चिश्ती सिलसिला में बहुत तेज़ी से फैले और किसी के नहीं फैले। उसका रीज़न अगर हम देखें तो इतने सारे हमें चिश्ती सिलसिला के हिसाब से हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन चिरागे दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, शेख फरीदाबाद, गर्ज़े शिखर और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इन सभी लोगों में से शेख निज़ामुद्दीन औलिया बहुत फेमस हुए थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इतने फेमस इसी वजह से हुए थे कि आप नोटिस करेंगे उनको गरीब नवाज़ की एक टाइटल दिया गया था, इनके नाम पे दरगाह बनाई गई है अजमेर के अंदर। इफ़ यू गॉट चांस तो आप ज़रूर जाइएगा, मुझे भी मौका मिला था, मैं भी गया था इसको देखने के लिए। अब यहाँ पे अर्ली टेक्सट क्या क्या बताते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ये बताते हैं कि सबसे पहले विजिट करने वाले व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो शेख की दरगाह पे उस टाइम पीरियड पे मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। उसके बाद सुल्तान गजनी खलजी खलजी करके जो था, गयासुद्दीन खलजी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं टोम का कंस्ट्रक्शन करवाया था दरगाह के ऊपर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर वहाँ पे 14 टाइम्स विजिट करने के लिए गया था, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ है वो क्या कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में ये तो आगरा और दिल्ली के बीच में जो मेन ट्रेडिंग रूट पड़ता है वो राजस्थान पड़ता था, और इसी वजह से क्या कहते हैं वहाँ पे ये लोग मिलने जाया करते थे यहाँ पे, तो ये एक रीज़न माना जा सकता था। और ये कुछ हमें आपकी बुक के अंदर चित्र दिखाई देते हैं कि जहांगीर कैसे वहाँ पे गया था उनसे मिलने के लिए, और जब ये लोग जाते थे वहाँ पे तो ये दरगाह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी कि पैसा दे दिया करते थे बहुत से राजा लोग खुश होके, क्योंकि ये लोग जब जाते थे तो उनको लगता था कि ये जो दरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनसे ये लोग डायरेक्टली कनेक्ट है, तो अगर इनसे कोई चीज़ मांगी जाएगी, कोई विश करी जाएगी, तो आपको पता है कि वो पूरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जब पूरी हो जाती थी तो ऐसा कहा जाता था कि अकबर जब भी कोई भी युद्ध लड़ता था तो युद्ध लड़ने से पहले वो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं प्रे करता था कि मुझे क्या कहते हैं युद्ध में जीत मिले, बच्चों की अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। आप नोटिस करेंगे कि ये मतलब एक तरीके का दुआ करते थे ये लोग, फिर बाद में जब वो दुआ पूरी हो जाती थी तो फिर दरगाह के अंदर गिफ्ट दिए जाते थे, खाने पीने की फैसिलिटीज़ के लिए पैसे दिए जाते थे, और वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था। इवन मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अकबर के टाइम पीरियड पे उस दरगाह के अंदर हमें देखने को मिलता है ना। और ये एक रैंडमली छोटा सा एग्जाम्पल और है, ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया कि हम देख सकते हैं हुजवारी करके एक व्यक्ति थे जो उनके नाम पे भी दरगाह बनाई गई थी, लेकिन ये दरगाह आप देखेंगे तो ये दरगाह हमारी इंडिया के अंदर नहीं है, ये दरगाह आप देखेंगे तो ये आपकी अफगानिस्तान के अंदर ये दरगाह हमें देखने को मिलती है, गजनी के निकट के शहर के अंदर ये हमें दरगाह देखने को मिलती है। तो ये दरगाह भी थोड़ी इंपॉर्टेंट फेमस है, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि उस टाइम पीरियड पे जो क्या कहते हैं चिश्ती सिलसिला था या जो भी शेख मोहम्मद लोग थे उन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल करा था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने प्रेम आख्यान के बारे में बताया था, इन्होंने बताया था कि किस तरीके से क्या क्या होता है, मतलब चिश्ती लोग हमारे इंडिया के अंदर आए उन्होंने उर्दू तो सीखी सीखी लेकिन हमारी खुद की लैंग्वेज के ऊपर भी उन्होंने फोकस करा। जैसे बाहर के फॉलोवर आते थे ना, जो आपने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने संस्कृत सीखी वगैरह वगैरह चीज़ें सीखी, सीखने के बाद उन्होंने उस चीज़ को बनाया, तो ये चीज़ें भी हम सीखेंगे, काफ़ी कुछ है अभी पढ़ने के लिए। ये मैंने इसमें शेख क्या कहते हैं इनके बारे में बताया है, हमारे नुसरत फ़तेह अली खां साहब के बारे में, कि इन्होंने कैसे बताया कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, ये क्यों है ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे समा वमा का सिस्टम होता है, फिर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, फिर ये कैसे दरगाह फेमस हो रही है ना, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो हम इसे पढ़ लेंगे अगली क्लास के अंदर, अभी आप मुझे क्या कहते हैं विदाई दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है, एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट, दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।